खट्टे हो जाने चाहिए रिश्तेदारों, ऐसे हल्के ताले नहीं। बहुत अच्छी रागनी अभी सोनू सम्राट ने गाई कि मत ना नंगी करो सभा में, जेठुलाने हो जाएंगे, चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग बिराने हो जाएंगे। अभी इस तरह से साफ शब्दों में सबको ललकारती है, परंतु सभी गर्दन नीची कर जाते हैं। बड़े बड़े महारथी योद्धा सभी सभा में मौजूद तो हैं, कौरव भी और पांडव भी, परंतु द्रौपदी की पुकार को कोई नहीं सुनता दोस्तों। और कहा है कि जिसकी कोई नहीं सुनता, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी परमात्मा सुना करता है। जब द्रौपदी ने देखा, जब द्रौपदी ने देखा कि अब तेरी कोई लाज बचाने वाला नहीं है, तो साथियों 16 कलाओं के महारथी, 16 कलाओं के मर्मज्ञ श्री कृष्ण भगवान को याद करती हैं कि हे कृष्ण भैया, निश्चित तौर से आप इस नजारे को देख रहे हैं। मैंने कभी तेरे साथ एक एहसान किया था कि जब तेरी उंगली कटी थी, मैंने पट्टी बांध करके अपनी साड़ी काट करके तेरी उंगली को लपेटी थी। आज मैं तुझसे मदद की भीख मांगती हूं, क्योंकि यहां तो एक अंधे का अंधा मैंने कहा था, यहां तो पूरी सभा अंधी बैठी है, कोई सुनने वाला नहीं है। दोस्तों आखिरकार द्रौपदी टेरती है अपने उस सच्चे दीनानाथ को और इस तरह से जब टेरती है तो श्री कृष्ण भगवान गरुड़ के ऊपर सवार होकर के चल देते हैं कि मेरी बहन द्रौपदी के ऊपर विपत्ति पड़ी हुई है। चलते हैं और पलक झपकते सभा के बीच में आ जाते हैं। दोस्तों जैसे ही आते हैं, झरोके से दो लोगों को दिखाई देती है, विदुर भगत जी को दिखाई देते हैं कान्हा जी और द्रौपदी को दिखाई देते हैं। अंदर खुश होती है द्रौपदी कि मेरा भैया आ गया है। दोस्तों टेर लगाती है कि सांवरे का कन्हैया आजा मेरे भैया, रास के रचैया सुन के द्रौपदी की टेर। दोस्तों ये टेर लगाती है, टेर लगाते के साथ ही कान्हा जब वहां पहुंचे तो इशारा कर दिया हाथ का, इस तरह से हाथ उठा दिया। ये रागनी जो मैं पेश करने जा रहा हूं, आपकी इजाजत चाहता हूं कि मैं खुद गाऊं इस रागनी को, खुद गाऊं अगर आपकी इजाजत हो तो, मुझे तालियों से इजाजत दें। दोस्तों इस रागनी में सारा शाब्दिक चित्रण है, सारा चित्रण समेटा गया है कलम से कि किस तरह से द्रौपदी की टेर सुनकर के कान्हा आते हैं और अपनी बहन द्रौपदी की लाज किस तरह से उन दुष्टों को सबक सिखाते हुए बचाते हैं। ये शाब्दिक चित्रण इस रागनी के माध्यम से आप सुनेंगे। आइए किस तरह से चलते चाहूंगा, क्योंकि अरे चटके गरुड़ पे चला
के पल्ले अटक्या कौरवो कजाड़ देखा हे धर्म धरा पे पाप के सभी नीची कर तनाड़ देखा बेचैनी मामा सखनी को हो रही थी और मामा सखनी इस तरीके से सभा के अंदर तिलमिला रहे थे जैसे बिगर जल के मछली तड़फड़ाती है और किस तरीके से ऊंची आवाज में कहते हैं क्या कहते हैं सुर में बोल रहे बढ़ावे थे चीर
पुन सब तो ले रहे बढ़ावे जीन किसने पाप पुन सब तो ले रहे और लाख करी। दोस्तों समझ में आ रही कोई दिक्कत तो नहीं? और दुर्योधन के कर्ण बलि और दुशासन के लग के ढीले जोश हुए आज हटिले हटते देखे वो दुशासन बेहोश हुए आज हटिले हटते देखे दुशासन बेहोश हुए धर्म की मुडे टूटे ना कभी द्रौपदी खड़ी थी बनके धर्म की शिला वो चटके करुण पहचान्या देवता इस नजारे को देखकर के भगवान श्री कृष्ण की लीला को देखकर के बड़े प्रसन्नचित मुद्रा में आ जाते हैं और भगवान की इस लीला को देखकर के किस तरीके से पुष्प वर्षा होती है आखिर यंत्र के माध्यम से क्या कवि की कल्पना है आप लोगों की सेवा में। धर्म की बचाई मूल करबो की खोज करनी रे पाग में मिलाई धूल करबो की खोज करनी पाग में मिलाई धूल अरे भक्तों के दुख हरने वाला हे रे 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 हे रे भक्तों के दुख हरने वाला सच्चा कृष्ण कन्हाई देखा पापियों से बैर करता भक्तों से असनाई देखा नरसी जी का नौकर बनता आज द्रौपदी का भाई देखा नरसी जी का नौकर बनता द्रौपदी का भाई देखा वो डूबते की मेर करे नंद लाल लाइन अच्छी लगे तो दोस्तों ताली होनी चाहिए डूबते की मेर करे नंद लाल बिरम पाल झोपड़ी का वो बना दे किला